Hello friends, today's topic is working capital management. Working capital management क्या होता है पहले हम समझ लेते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप का फंड रिक्वायर होता है, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म नीड्स होते हैं एक कंपनी के, जैसा बड़ा मशीनरी या प्लांट वगैरह खरीदना है तो फिक्स्ड कैपिटल से हम उसको फाइनेंस करेंगे. लेकिन अगर छोटे मोटे चीज़ें चाहिए स्टेशनरी के लिए या डे टू डे ऑपरेशन के लिए या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ये सब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से वर्किंग कैपिटल के अमाउंट से फाइनेंस करेंगे. तो बेसिकली जो बड़ा अमाउंट बड़ा चीज़ों को फाइनेंस करने के लिए होता है उसको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं. वो फिक्स्डली रहता है एक कंपनी में, और वर्किंग कैपिटल जो है वो शॉर्ट टर्म नीड्स को फाइनेंस करने के लिए रहता है, और करेंट एसेट्स को भी फाइनेंस किया जाता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से. तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को हम सर्कुलेटिंग कैपिटल और रिवॉल्विंग कैपिटल या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल भी बोलते हैं. सर्कुलेटिंग कैपिटल क्यों? क्योंकि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो अमाउंट है वो कंपनी में आता जाता रहता है, मतलब हम इसको खर्च भी करते रहते हैं और कमाते भी रहते हैं. ये ऑपरेटिंग एक ऑपरेटिंग एंटरप्राइज ऑपरेशन को जो फाइनेंस करने के लिए जो चाहिए होता है एंटरप्राइज़ के लिए, उसको वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करेगा. देन कंसेप्ट्स में आते हैं. बेसिकली टू कंसेप्ट्स है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, बैलेंस शीट कंसेप्ट एंड ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट. बैलेंस शीट कंसेप्ट जो है वो फिर टू टाइप का है, एक नैरो सेंस में और एक ब्रॉड सेंस में. नैरो सेंस में हम वर्किंग कैपिटल को ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है टोटल अमाउंट जो कंपनी ने अपने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है. ये फाइनेंशियल और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट इसको बोला जाता है, फाइनेंशियल कंसेप्ट या फिर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. करंट एसेट्स का अमाउंट, करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम. इन्वेंट्रीज में आ जाएगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, फिनिश्ड गुड्स, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड्स. देन सेकेंड है बैलेंस शीट कंसेप्ट के अंदर ही, नैरो सेंस में वर्किंग कैपिटल को हम बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल. ये क्या है, करंट एसेट्स जो हम कैलकुलेट किए उससे टोटल करंट लाइबिलिटी का अमाउंट माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपना नेट वर्किंग कैपिटल. करंट लाइबिलिटी में आपको लेना है बिल्स पेबल, डिविडेंड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्रूड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन. जो अपना नेट वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली प्रोप्राइटरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुइटेबल रहता है, जैसे कि सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए. बट जो ग्रॉस कैपिटल है वो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा सुइटेबल होता है, जहाँ पे कि ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल अलग अलग लोगों के हाथों में होता है, वहाँ पे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे. बट बेसिकली जनरली जब कुछ मेंशन नहीं किया रहता है तब हम नेट वर्किंग कैपिटल को वर्किंग कैपिटल के हिसाब से लेंगे, कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी को ही वर्किंग कैपिटल मानेंगे. नेट वर्किंग कैपिटल जो है, जैसे कि ये करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी को लिया जाता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये लिक्विड फंड्स अवेलेबल नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एडवर्सली अफेक्ट करेगा प्रॉफिटेबिलिटी को. फिर आते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट, इसको सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट भी बोला जाता है. ये कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो एक कंपनी ने करंट एसेट्स में या वर्किंग कैपिटल में जो अपना फंड इन्वेस्ट किया है वो फटाफट रिवॉल्व करता रहता है. दोज करंट एसेट्स कीप रिवॉल्विंग फास्ट एंड आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैश कॉन्स्टेंटली. मतलब ये करंट एसेट्स का अमाउंट हमारा आराम से कन्वर्टेड होता रहता है बार बार कैश में, और वो कैश फिर से हम यूज़ कर लेते हैं अदर करंट एसेट्स खरीदने के लिए. तो ये एक साइकिल में चलता रहता है कि हमारे पास कैश आता है, करंट एसेट्स आता है, फिर उसको कैश में होता है, फिर करंट एसेट्स आता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवॉल्विंग और सर्क्यूलेटिंग कैपिटल. इट इज़ बेस्ड अपॉन द ऑपरेटिंग और वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ अ फर्म. ये अपना साइकिल है, ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट का साइकिल. यहाँ पे पहले हम रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे.
पहले कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इन टू द प्रोसेस, फिर उसको क्या करेगा फिनिश्ड गुड्स में फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करेगा, और इसके बीच में आएगा वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। फिर फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड के बाद सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स होगा, बेच देगा जो भी उसने प्रोड्यूस किया। फिर रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड्स, जो बेचा उससे पैसा लेगा जिनको बेचा है उसने। फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड पेड टू सप्लायर्स, फिर वो जिनको बेचा उनसे पैसा ले लेगा और जिनसे रॉ मटेरियल लाया था उनको पैसा पे करेगा। फिर रॉ मटेरियल स्टोरेज एंड कन्वर्जन, तो ये फिर से चलता रहेगा, ये एक सर्कुलेशन में चलता रहता है ये प्रोसेस, ये कभी रुकेगा नहीं। वेरियस फॉर्मूला है, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, नेट ऑपरेटिंग साइकिल, पीरियड, ये जो ऊपर में हम देखे पीरियड्स, इसको कैलकुलेट करने का वेरियस फॉर्मूलाज है, आप यहाँ से देख लीजिए। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल को कैलकुलेट करने का ये है रॉ मेटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड प्लस रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। फिर नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड का भी देख लीजिए आप, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्मूले। देन फिनिश्ड गुड्स कन्वर्जन पीरियड का फॉर्मूला एंड रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड एंड पेबल डिफरल पीरियड का फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कर लीजिए गाइस, इसको याद रखने का कोशिश कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज़।